हेलो एवरीवन, आज मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पहले तो मेरी वीडियोस जो थी वो रेगुलर होती थी, आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं रेगुलर वीडियो डाल रही थी, लेकिन अभी जो है मेरी वीडियोस रेगुलर नहीं आ रही हैं। उसका रीज़न ये है कि पहले तो जैसे मेरे सिस्टर लोग थे तो जिसकी वजह से वो एक को संभाल लेते थे, तो मैं वीडियोस भी बना लेती थी, काम भी कर लेती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हो रही हैं क्योंकि वो चले गए हैं और अभी सिर्फ मदर इन लॉ और मैं हैं। एक को घर का काम भी करना होता है, फिर दोनों को संभालना ही होता है। तो देखिए, एक बच्चे को संभालना इतना मुश्किल हो जाता है, अब दो को संभालना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सारा दिन इनके साथ ही ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता सुबह से लेकर रात कब हो जाती है। तो इसीलिए जो है मैं वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, दो दिन के गैप में वीडियो आती है मेरी। तो आप जो है इस चीज़ को बिल्कुल प्लीज़ मत माइंड कीजिएगा, और आपके क्वेश्चन के आंसर देने में भी मुझे कुछ देरी सी हो जाती है, वो इसी वजह से हो जाती है। वैसे मैं रात को जैसे अभी से दूध पिला रही हूँ तो साथ के साथ आपके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरे हस्बैंड आ जाते हैं और फिर एक बच्चे को वो संभाल लेते हैं, तो जिसकी वजह से मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दे पाती हूँ। तो अभी आप मेरी हालत से ही देख सकते हैं कि मतलब अब मैंने कॉम भी जो है ये जो शाम को बनाया है, कंघी की है मैंने अपने बालों में, मतलब कुछ मुझे नहीं पता चलता दिन कैसे निकलता है, रात कैसे निकलती है, कुछ भी समझ में नहीं आता। भगवान इनको दोनों को ठीक रखे, बस यही हम यही सोचते रहते हैं। मतलब हर लाइफ में कुछ बहुत कुछ होता रहता है, जब आप बेबी नहीं थे तो कितनी डिफ़िकल्टीज हो जाती थी, अब हो गए हैं, अब डिफ़िकल्टी तो नहीं है लेकिन इन्हें पालना भी है। अब हमें कान्हा जी ने दिए हैं तो हम इन्हें पालना भी है, और पालने के लिए एक एक दिन निकालते हैं हम। तो IVF को लेकर हम कितनी मेरे पास जो है आप सब्सक्राइबर के साथ नहीं, आसपास के काफ़ी लोग हैं जिनके मेरे पास कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, वो मेरे से घर पे भी पूछने आते हैं कि जो है आप ये खुशान की हरकत थी, अभी ये छोटा है और अभी से ये जो है मोबाइल को हिला रहा है। तो पहले वो मेरे घर पर आते हैं पूछने के लिए, आज भी मेरे पास एक कॉल आई थी, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और भी जो है न्यूज़। तो उनकी कॉल आई, वो मेरे से पूछ रहे थे, उन्होंने अभी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट स्टार्ट की है, अभी उनकी मैरिज को 4 ईयर्स हुए हैं, तो वो भी मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे। तो मतलब मैं कोशिश करती हूँ, मैंने उनको भी बहुत अच्छी एडवाइस दी, और क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं औरों की भी हेल्प कर सकूँ, तो मैं इसीलिए आपकी भी हेल्प करना चाहती हूँ। आपके क्वेश्चन का आंसर देने में मुझे लेट जरूर हो जाता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। अभी आपको आवाज़ आ रही होगी, एक तो बीच में से रोने भी लग गया, अभी दोनों मेरे पास हैं और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अभी हस्बैंड जो है नीचे गए हैं, खाना खाया था हमने, उसकी प्लेट्स देने के लिए गए मम्मी को। तो मतलब इस तरह से मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी आपकी जो है वीडियोस का आंसर देने की। अभी भी रात के जो है 11 बज गए हैं और अभी मैं आप वीडियो डाल रही हूँ आपके लिए, तो आई होप कि आप इसको समझेंगी। राधे राधे।